अनाया यकीन करो, जो कुछ हुआ है मुझे इसका बड़ा मलाल है। करीम के साथ हजारों इख्तलाफात सही, मगर जो कुछ हुआ है मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मेरे बेटे की पसंद हो। ये उसका नसीब है कि उसका झुकाव तुम्हारी तरफ था। ये लो, ये रख लो। क्यों आंटी? ये छोटी सी मदद है। आंटी थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। आप आई, आपने बाबा का हाल चाल पूछा, ये एहसास बहुत है। प्लीज, मैं कोई एहसान नहीं कर रही तुम पर अनाया। करीम ने सालों हमारी खिदमत अंजाम दी। अगर मैं इस बुरे वक्त में काम नहीं आ सकती तो फिर मेरा यहाँ आना बेकार है। प्लीज रख लो, हजारों अखराजात हैं, तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई है, घर के खर्च हैं, करीम की मेडिसिन है। प्लीज रख लो। मैं मायर के साथ आती लेकिन वो थका हुआ था, सो रहा था, तो मैंने जगाना उसे मुनासिब नहीं समझा। आंटी थैंक यू, थैंक यू सो मच। मतलब आपने ये सोचा, पर मेरी मायर से बात हो गई है, वो बस आते होंगे, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, आप रखें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। ये केक चल रहा है। ठीक।